किसी के साथ रिलेशन में जाना तो आसान होता है, लेकिन उस रिलेशन को हर सिचुएशन में निभाना ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए पौधे की तरह ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो आपका ये रिलेशन भी पौधे की तरह मुरझा जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी लोग अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। या फिर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती हैं जिसमें एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले पार्टनर भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तो क्या होती हैं ये लाइफ की सिचुएशंस और एक दूसरे से जुदा होने की वजह, आज सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है केयरलेसनेस। एक रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से केयर जरूरी है, लेकिन जब किसी रिश्ते को ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम दूसरे पर ध्यान ना दें तो एक दूसरे के मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि अब हमें ऐसे पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। इससे दूसरे इंसान को भी ऐसे ही लगता है। इस तरह प्यार होते हुए भी लोग अपने रिश्ते को बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप। आजकल की लाइफ बहुत ही बिजी हो गई है, जिस कारण लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर काम में बिजी होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती हैं। लेकिन काम की वजह से अगर आपस में ठीक से बात ना हो पाए तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, जिससे रिश्ते में जिस तरह का लगाव होना चाहिए उतना नहीं रहता, जिस कारण भी बिना किसी वजह के लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है फैमिली। रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है फैमिली का तैयार ना होना, और यही सबसे बड़ा सच है। अधिकतर मामलों में यही सबसे बड़ा कारण होता है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि लोग अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर किसी रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है। तो ये थी वो तीन बड़ी वजह जिनकी वजह से अक्सर लोगों को ना चाहते हुए अपने पार्टनर या फिर यूं कहें अपनी ज़िंदगी के प्यार को छोड़ना पड़ता है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ है, या अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ है? आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में कुछ और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ।